हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जॉब कॉस्ट शीट के बारे में। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक क्वेश्चन रिटन डाउन है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख करके रखा है। ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन ये आपका बन सकता है। सो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं एंड देन इसका सोल्यूशन देखेंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, जो कि एक कॉस्ट रिकॉर्ड से उठाई गई है ऑफ एन इंजीनियर वर्क्स, यानी कि जहां पे कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल फैब्रिकेशन का वर्क होता है, वहां से ये कुछ डिटेल्स उठाई गई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द जॉब नंबर 1, 2, 3। यानी कि जॉब नंबर 1, 2, 3 एक असाइन किया गया नंबर होता है, जो कि यहां पे आपको दिया गया है। आपने कई बार कुछ मूवीज नहीं बट न्यूज सुनी होगी कि कैटरीना कैफ का लहंगा जो है मनीष मल्होत्रा ने एक कम से कम 300 घंटे लगा करके काम करवा करके पूरा कराया, या इस तरीके से। तो सेम उसी तरीके से आपकी जो है कोई ना कोई जॉब आती है जो कि कस्टमाइज होती है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उस पर काम करके उन्हें जो है वो फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड कराते हो। सो ये उसी तरीके की सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको कोई जॉब मिली, जैसे कैटरीना कैफ का लहंगा बनाने की जॉब मिली, तो वो जॉब एक कॉन्ट्रैक्ट है, या एक जॉब हम उसको कहते हैं कि ये जॉब है, ये काम कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका एक जॉब नंबर है जो कि है 1, 2, 3, जो कि कोई भी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मिला होगा, जिसमें मटीरियल लगाया गया है 4,010 रुपये का, 4,010 रुपये का। उसमें वेजेस, अब देखो एक चीज़ को बनाने में ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा काम करेगा, जैसे टेक द सेम एग्जांपल लहंगे वाला, बिकॉज यू कैन गेट इट वेरी क्लियरली, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है एक बंदे ने उसका कटिंग किया हो, एक बंदे ने उसका स्टिचिंग किया हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कटिंग करने का अलग, स्टिचिंग करने का अलग, उसमें हैंडमेड जो भी उनका जरी गोटा वाला जो भी काम होता है, ओके XYZ, वो लगाने का काम किया हो। सो यहाँ पे 3 अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट है सेम उसी तरीके से, जहाँ पे आपके जो है 60 घंटे लगाए गए हैं डिपार्टमेंट ए में, ठीक है, बी में आपके जो है 40 घंटे लगाए गए हैं, और डिपार्टमेंट सी में 20 घंटे लगाए गए हैं। और ये जो है वेजेस है, यानी कि जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उन्होंने वेजेस लिए होंगे। तो यहाँ पे 60 घंटे जो लगाए गए हैं डिपार्टमेंट ए में, उसमें जो है जो प्राइस मिला है, जो वेजेस मिले हैं, वो मिले हैं 3 रुपीज़ पर आर के हिसाब से। डिपार्टमेंट बी में जो प्राइस मिला है, जो वेजेस मिले हैं, वो मिले हैं 40 रुपीज़ एट द रेट 2 पर आर से, यानी 1 घंटे का 2 रुपये और 40 घंटे वहाँ पे लगे हैं। डिपार्टमेंट सी में जो है 20 आर्स लगे हैं, लेकिन 1 घंटे का 5 रुपये के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन हुआ है। सो ये तो हुआ वेजेस का बात। उसके बाद आते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, कुछ ओवरहेड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके हुए हैं डिपार्टमेंट ए में अलग, डिपार्टमेंट बी में अलग, डिपार्टमेंट सी में अलग। अब देखो ऊपर तो मुझे सीधा सीधा प्राइस दिया गया था कि 3 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ए में मुझे बताया गया है कि 5,000 रुपये लगे हैं और काम हुआ है 5,000 घंटे का ही, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस मिला है वो मिला है कितना, 1 रुपये के हिसाब से। 3,000 घंटे लगे हैं डिपार्टमेंट बी में, और उसमें 1,500 घंटे के लिए 3,000, यानी 3,000 रुपये दिए गए हैं 1,500 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 2 रुपये के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बन जाएगी। और डिपार्टमेंट सी में जो है यहाँ पे 2,000 रुपये पे किए गए हैं फॉर 500 आवर्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रुपये के अकॉर्डिंग वेजेस वेरिएबल्स बनेगा। फिक्स्ड ओवरहेड है जो कि है 20,000 का फॉर 10,000 वर्किंग आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें प्राइस फॉर द जॉब टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी कि इस जॉब में मुझे अभी 25 रुपये का प्रॉफिट भी ऐड करना है, जो कि होने वाला है सेलिंग प्राइस का 25%। तो अब आपको बोला गया है कि आप जॉब कॉस्ट शीट बनाइए, कि भैया जो जॉब मिली है उसका कॉस्ट शीट बनाना है। सो हेयर आई हैव अ सिंपल पेपर सा, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट कितना प्राइस है, जॉब नंबर यहाँ पे आपका है, जॉब नंबर आपका है यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। तो ये जॉब कॉस्ट आपका नंबर बन गया। सबसे पहले आपको मटेरियल का वैल्यू दिया गया है, मटेरियल का वैल्यू आपको दिया गया है, तो यहाँ पे मटेरियल्स, इसमें आपको सिर्फ 2 ही हेडिंग देनी होती है, एक पर्टिकुलर्स और एक यहाँ पे आपको अमाउंट की, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर्स और ये आपका अमाउंट, देखिए राइट।
अब मटेरियल्स आपके लगे हैं 4,010 रुपये के, जो कि क्वेश्चन में सीधा सीधा ऊपर बता दिया कि 4,010 रुपये का मटेरियल लगा हुआ है। अब बात करते हैं वेजेस की। देखिए वेजेस हमारे कितने लगे हैं। अब वेजेस में भी हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी, तीनों डिपार्टमेंट्स की कैलकुलेशन लेकर के चलेंगे। डिपार्टमेंट ए में मुझे लगे हैं 60 घंटे 3 रुपये के हिसाब से, तो ये 60 इंटू 3। डिपार्टमेंट बी में मुझे लगे हैं 40 घंटे 2 रुपये के हिसाब से, और डिपार्टमेंट सी में मुझे लगे हैं 20 घंटे 5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 60 घंटे 3 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि 6180, ठीक है, यानी 180 रुपये। यहाँ पे आपका 40 इंटू 2 यानी 80, और ये 20 इंटू 5 यानी कि 100, यानी यहाँ का जो टोटल आपका हुआ दैट इज 100, 200, 200 एंड 360 रुपीज़। तो ये 360 रुपये का आपका वेजेस लग गया, 360 रुपये का आपका वेजेस लग गया। अब यहाँ पे आपका ये बन गया, जो भी पहला चीज़ है मटेरियल और उसके बाद का वेजेस, ये आपका बन जाता है प्राइम कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट, पहली कॉस्ट, जो कि आपके मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट जो आपके पॉइंट्स होते हैं उसको बना करके बनता है। तो 4,010 रुपये में 360 अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4,370 रुपीज़, राइट। ये आपका बन गया प्राइम कॉस्ट। अब आपको दिया गया है कि भैया ओवरहेड्स हैं, तो चलिए ओवरहेड्स डाउन कैलकुलेट करते हैं। ओवरहेड्स कितना बोला गया है, देखो ओवरहेड बोला गया है कि 20,000 रुपये का है, जो कि है 10,000 वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग। बट आप चीज़ देखना, यहाँ पे मैं जो भी कैलकुलेशन कर रही हूँ वो पर पीसेस के, यहाँ पे जो है नॉर्मल कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, सॉरी अमाउंट जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है कम दिख रहा है, और यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड जो है पूरा टोटल का फिक्स्ड ओवरहेड दिया गया है। फिक्स्ड ओवरहेड क्या किया गया है, टोटल का दिया गया है, टोटल यानी कि 10,000 वर्किंग आवर्स का फिक्स्ड ओवरहेड दिया गया है 20,000। तो यहाँ पे 20,000 आपका, लेकिन क्या ये 10,000 घंटे इसी जॉब के लिए आपने लगाए हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 10,000 घंटे का काम दिया गया है, प्राइस दिया गया है फिक्स्ड ओवरहेड के लिए, तो क्या आपने ये 10,000 घंटे इसी जॉब के लिए लगाए हैं, नहीं। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि इस जॉब में आपने कितने घंटे का प्रयोग किया है, तो उसके लिए हम करेंगे वर्किंग। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स इन्वॉल्व, ठीक है, आवर्स इन्वॉल्व, कितना वर्किंग आवर्स इन्वॉल्व हुआ है, डिपार्टमेंट ए का प्लस डिपार्टमेंट बी का प्लस डिपार्टमेंट सी का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए में आपने 60 घंटे दिए हैं, ठीक है, 20, और आपने डिपार्टमेंट बी में दिए हैं 40 और डिपार्टमेंट सी में दिए हैं 20। देखो 60, 40, 20, तो टोटल आपके पास कितना बन गया, 60 प्लस 40 प्लस 20, यानी 120 घंटे। तो टोटल आपने 120 घंटे इस काम के लिए दिए हैं, इस जॉब वर्क के लिए, जो भी आपने कस्टमाइजेशन की है इसके लिए आपने 120 घंटे लगाए हैं। अब आप यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन करोगे कि फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पे कितना यूज़ हुआ है, तो देखो हमें दिया गया है 20,000 रुपये कितने के लिए, 10,000 घंटे के लिए, 10,000 घंटे के लिए, पर हमने कितने घंटे लगाए हैं, 120 घंटे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है कि भैया आपका 20,000 रुपये लग रहा है कितने के लिए, 10,000 घंटे अगर आप जो है लगा रहे हो, ठीक है, तो यानी 2 रुपये पर घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पैसा फिक्स्ड ओवरहेड का लग रहा है। अब यहाँ पे मैं जो हूँ इस जॉब में 120 घंटे का काम कर रही हूँ, तो यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड मेरा जो यहाँ पे बना वो बना 240 रुपये। तो ओवरहेड में सबसे पहले मेरे पास आ गया फिक्स्ड ओवरहेड 240 रुपये, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल्स के पास, क्योंकि वेरिएबल्स ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अब आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे वेरिएबल्स आपके पास देखिए कैसे आया, वेरिएबल्स में आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, जहाँ पे आप 5,000 जो है रुपए दे रहे हो 5,000 घंटे के लिए, दूसरे में 3,000 रुपए दे रहे हो 1,500 घंटे के लिए, तीसरे में आप 2,000 रुपए दे रहे हो 500 घंटे के लिए। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखिए यहाँ पे अब आपको प्राइस का यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, जो मैं आपको कह रही हूँ ना 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000, बस वही यहाँ पे आपको करके दिखाना है। यहाँ पे
पे आपको लिखना है वेरिएबल ओवरहेड्स रेट, वेरिएबल ओवरहेड्स रेट, क्योंकि यहाँ रेट दिया नहीं गया तो वो रेट हम निकाल के दिखाएंगे, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। इसमें आप एक ना फॉर्मूला, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसमें आप एक फॉर्मूला लिख करके शो करेंगे कि ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट ए, ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे वर्किंग आवर्स या डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख करके दिखा करके फिर अमाउंट शो करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपली दिखा रही हूँ 5000 डिवाइडेड बाय 5000, ये आपका हो गया 1, दूसरे में आपका हो गया 3000 डिवाइडेड बाय 1500, ये आपका हो गया 2, ठीक है, तीसरे में आपका हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 500, ये आपका हो गया 4, यानी डिपार्टमेंट ए में आपका 1 रुपी, डिपार्टमेंट बी में 2 रुपए, डिपार्टमेंट सी में 4 रुपए। ठीक है, अब वेरिएबल्स आप आ जाइए यहाँ पे, डिपार्टमेंट ए का कैलकुलेशन, डिपार्टमेंट बी का कैलकुलेशन, डिपार्टमेंट सी का कैलकुलेशन। अब देखिए, जो इस जॉब वर्क में मैं घंटे दे रही हूँ, अब वो देखिए, डिपार्टमेंट ए में मैं दे रही हूँ 60 घंटे, 60 घंटे, डिपार्टमेंट बी में मैं दे रही हूँ 40 घंटे, डिपार्टमेंट सी में हम दे रहे हैं 20 घंटे। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल में मुझे जो है, वेरिएबल में मुझे डिपार्टमेंट ए में 1 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 60 घंटे के अकॉर्डिंग 1 रुपये का कैलकुलेशन, डिपार्टमेंट बी में मुझे 2 रुपये देने पड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट सी में मुझे 4 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर, तो यहाँ पे 60 × 1 इज़ योर 60 रुपीज़, 40 × 2 इज़ योर 80 रुपीज़ एंड 20 × 4 इज़ योर 80 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे 80 रुपीज़ प्लस 80 रुपीज़ प्लस 60 रुपीज़, ये आपका हो गया 220 रुपये। ठीक है, 220 रुपये, बट यहाँ पे ये 220 रुपये हम यहाँ पे शो कर देंगे, 220 रुपये। अच्छा, फिक्स्ड भी है मेरे पास यहाँ पे 240, उसको भी मैं बाहर ही लिख लेती हूँ। ठीक है, 240 ये फिक्स्ड भी मेरे पास आ गया। तो अब ये सारी मेरी बन के आ गई है कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, कॉस्ट ऑफ द जॉब, जॉब कैसे होगा ये देखिए, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। प्राइम कॉस्ट लग रहा है 4370 का, फिक्स्ड ओवरहेड है 240 के, और यहाँ पे आपका 4830, तो यानी सबका टोटल हो गया 4830, सबका बदला लेगा ये वाला जॉब शीट, तो ये 4830 अमाउंट आ गया। अब कह रहे हैं कि भैया आपको जो है ना प्रॉफिट भी ऐड करना है सेलिंग प्राइस का 25%। अब देखिए, जब भी ऐसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है तो वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन दिखाएंगे कि देखो प्रॉफिट बोला गया है, प्रॉफिट बोला गया है इज इक्वल टू 25% ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस का 1/4, 25% इज व्हाट, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो जब भी आपने, ये बहुत ही बेसिक मैथ्स होती है, आप लोगों को याद शायद ना हो क्योंकि मुझे भी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 हमारा सेलिंग प्राइस बोला गया है तो वो कॉस्ट का 1/3 हो जाता है, नीचे वाले जो आपका डेनोमिनेटर होता है उसमें से 1 माइनस आप करते हो, तो 1/3 ऑफ क्या होता है, ऑफ द टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट का 1/3 आपका बनता है। अगर आपको ये बोला जा रहा है ना 25% निकालो सेलिंग प्राइस का, 25% निकालो सेलिंग प्राइस का, तो यानी कि जो कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है उसका 1/3 ही आपका जो है उसका इक्वल वैल्यू बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी बन रही है 4830, तो इसका 1/3 अगर आप करोगे सो दैट विल बी योर 1610 एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट जो कि आप बुक करना चाहोगे। देखो आपने क्या किया, आपको एक काम मिला था, आपको कटरीना के आपका लहंगा मिला था, उसमें आपने मटेरियल लगा दिया 1,00,000 का, 1,000,000 का या जो भी वैल्यू आपको सही लगती है मान लो। ठीक है, उसके बाद आपने जो है उसमें वेजेस लगाए, उसके बाद आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो वेरिएबल्स लग रहे थे वो जोड़ दिए, आपको पता चला कि उसका लहंगा बनाने में 4830 करोड़ मान लो, चलो ठीक है थोड़ी बड़ी बात करते हैं, 4830 करोड़ आपने लगा दिए। अब आपने कहा कि यार मैं ना 25% का प्रॉफिट लेकर के चलूँगा, मैं मनीष मल्होत्रा, मैं ये मल्होत्रा, मैं वो मल्होत्रा, मुझे अमाउंट अच्छा चाहिए, तो उसने 25% का प्रॉफिट ऐड कर लिया, 25% ऑन सेलिंग प्राइस उसने कहा मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, जो कि हमने निकाल लिया 1610 करोड़। ठीक है, करोड़ में बात करेंगे, तो अब यानी कि कटरीना कैफ को वो कितने का अमाउंट बेचेगा, कितने का बोलेगा, वो बोलेगा कि देखो यहाँ पे मेरे को आप दे दो कितना, यहाँ पे आप मुझे दे दो 6440 करोड़। ठीक है, ये आप मुझे दे दो, तो ये उसका सेलिंग प्राइस बताएगा उसके लहंगे का। तो सेम ये जॉब नंबर में ये जो भी वैल्यू बनेगी वो सेलिंग प्राइस बन जाएगी 6440 की, जिसमें से उसने 4830 का तो पूरा कॉस्ट बना उसके प्रोडक्ट का और उसमें उसने अपना प्रॉफिट 1610
₹110 ऐड कर लिया, राइट. सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय.